सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। तो मैं यह कह रहा था कि हम लोग का एक हिस्सा मस्तिष्क का और लॉजिक पर चलता है, एक हिस्सा मेमोरी पर चलता है। तो ये दोनों हिस्से जब मिल करके साथ में काम करते हैं, यानी हम लोग का दोनों हेमिस्फेयर एक साथ मिल के काम करता है, तो ज़्यादा अच्छा परिणाम देता है। हम मस्तिष्क का ज़्यादा इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके लिए कुछ योग साधनाएं भी ज़रूरी होती हैं कि हम अपने दिमाग को कैसे और प्रयोग कर सकते हैं अधिक से अधिक। तो पहली चीज़ है कि शरीर में पांचों तत्व तो होने चाहिए बैलेंस रूप में, यानी पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। तो ये जो हमारी पांचों उंगलियां हैं, तो ये पांचों तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे ये कनिष्ठा उंगली जल तत्व का, अनामिका पृथ्वी तत्व का, ये मध्यमा आकाश तत्व का, ये तर्जनी वायु तत्व का, ये अंगूठा अग्नि तत्व का। अमूमन हम लोग अपने हाथों को खुला रखते हैं या मुट्ठी बांध लेते हैं। बहुत कम समय होता है, या शायद ही कभी किसी किसी के यहाँ होता होगा, किसी किसी के, जो लोग साधना नहीं करते उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो कि कभी इनको सटाते भी होंगे, यानी इनको सटाना होता है ऐसे। जब आप इनको सटा लेते हैं, जब ये सब मिल गए आपस में, तो ये संतुलन बना लेते हैं। तो इसे पांचों तत्व तो हमारे संतुलित हो जाते हैं, तो हमारा दिमाग बेहतर तरीके से कार्य करेगा। तो पहला काम तो यह कीजिए कि इनको मिला लीजिए, पंचवायु पंच तत्व मुद्रा। तो ये पंचवायु पंच तत्व मुद्रा है, इसको करें। अब इसके बाद है कि जब हमारा शरीर में ये सारे तत्व हो गए, तो ये किस चैनल से बहेंगे, ये अभी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप इनको बहाने के लिए जो नाड़ियाँ होती हैं, जो इन्हें प्रवाहित करती हैं, उनका खुला होना बहुत जरूरी है। तो वे खुलेंगे जब, तो ही ये प्रवाहित होंगे। तो उसके लिए आप क्या करें कि आपकी बाएं नाक से सांस, दाएं नाक से सांस बराबर अच्छे से आनी जानी चाहिए, यानी फ्री होना चाहिए। यदि आपकी बाएं नाक से सांस अच्छी आती है, दाएं से नहीं आती है, इसका मतलब है कि आपका एक हिस्सा कमज़ोर है। फिर आपका माइंड पूरा वर्क नहीं कर सकता। माइंड पूरा वर्क करे इसके लिए ज़रूरी है कि आपका बाएं और दाएं इन दोनों से ही जो है श्वास अच्छे से आए। तो इसके लिए क्या करिए, इसके लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से पूरे शरीर में नाड़ियां जो हैं फैली हुई, वे सब शुद्ध हो जाएंगी। तो उसके लिए बाएं नाक से सांस लीजिए और बाएं नाक से ही छोड़िए 11 बार कम से कम। फिर दाएं नाक से लीजिए, दाएं नाक से सांस छोड़िए 11 बार। फिर बाएं नाक से सांस लीजिए और दाएं से छोड़िए 11 बार। फिर दाएं से सांस लीजिए और बाएं से छोड़िए हर बार, ऐसा 11 बार करें। फिर बाएं से सांस लीजिए, दाएं से छोड़िए, फिर दाएं से सांस लीजिए, बाएं में छोड़िए 11 बार। ऐसा करने से आपकी नाड़ी शुरुआत में जागृत हो जाएगी, सभी नाड़ी। और पूर्ण शुद्ध ये तो होता है 108 बार तक करने पर, यानी जो मैंने 11 बार बताया, इसको आप 108 बार करेंगे तो पूरा सक्रिय हो जाएगा। तो ये नाड़ियाँ सक्रिय हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। अब इसके बाद है कि इसमें जो संचालन होता है हम लोग के शरीर में, हम लोग यदि मस्तिष्क को सक्रिय करना चाहते हैं, आपको पता है हम लोग के शरीर का जो 20% जो ऑक्सीजन है वो हम लोग के मस्तिष्क को चाहिए होता है। इतना ज़्यादा ऑक्सीजन इसको चाहिए होता है, तो इसलिए प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। तो आप प्राणायाम कीजिए अधिक से अधिक। प्राणायाम करेंगे तो
तो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो मस्तिष्क बहुत काम करेगा। सारे तत्व भी आपके सही हो गए, तत्वों का चैनल भी सही हो गया, मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुंच गया, तो ऑक्सीजन पहुंचेगा तो खून के साथ पहुंचेगा, तो खून का दौरा भी हो जाएगा। तो अच्छे अच्छे कुछ आसन भी कीजिए जो मस्तिष्क पहुँचाते, जैसे शीर्षासन है, चक्रासन है, सर्वांग आसन है, और अन्य बहुत सारे आसन हैं, मयूर आसन है, धनुर आसन है, और जानुभालासन है, तो बहुत सारे आसन हैं ये सब। तो कुछ ऐसे ये सब आसन हैं जिससे कि मस्तिष्क सक्रिय होते हैं, ज़्यादा खून पहुंचता है दिमाग में। वृत्तासन है, कपोतासन है, तो इन सब आसनों को आप करने कोशिश कीजिए। इसके बाद है कि कुछ प्राणायाम ऐसे होते हैं जो कि मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को झंकृत कर देते हैं और नए न्यूरॉन्स को उत्पन्न करते हैं, तो ये सब तो है ही, इसके अलावा विशेष कुछ हैं जिसमें उज्जायी भ्रामरी संयुक्त प्राणायाम है, प्रणव प्राणायाम है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम है, और चतुर्थ प्राणायाम है। तो ऐसे प्राणायाम को करने से आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा सक्रियता आती है और आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा, याद भी रखेगा, विश्लेषण करेगा, शुद्ध रहेगा, और शरीर को भी शुद्ध रखेगा, ताज़ा रखेगा। इसके बाद बताऊं कि आपको चाहते हैं कि दिमाग आपका काम करे, तो दिमाग को भी रेस्ट चाहिए होता है, ये समझ लीजिए। तो पर्याप्त नींद लें, और नींद के लिए बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को करेंगे तो नींद आएगी आपको, आसन प्राणायाम करेंगे तो नींद आएगी। फिर शरीर में जो है आप नहाने के पहले तेल वगैरह लगा लें, आयुर्वेद में तेल मालिश का बहुत महत्व बताया गया है नींद के लिए, तो तेल मालिश करें तो नींद आएगी। पैर के तलवों में सोने के पहले तेल मालिश करें, सेब खाएं, मुनक्के खाएं, तो इससे नींद आएगी। जिनको नींद अनिद्रा की शिकायत है वैसा करें, या उल्टी गिनती भी गिनेंगे तो नींद आ जाती है। और जब आप सोएंगे, पर्याप्त नींद लेंगे, खुली हवा में सोएंगे, खिड़की खोल के, बहुत लोग खिड़की बंद करके सोते हैं और ताज़ी हवा नहीं उनको मिलती है, तो इसलिए उनको नींद भी कम आती है और बहुत लंबे देर तक उनको लेटना पड़ता है, तब जाके नींद पूरी होती है। तो खुले में सोएंगे, शुद्ध ताज़ी हवा आएगी, तो जल्दी भी नींद पूरी हो जाएगी और बहुत गाढ़ी नींद, अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है दिमाग को अच्छा से वर्क में डालने के लिए। और दिन में भी थोड़े बहुत गैप के बाद आप जो है दो बार सो लें, अगर मेंटली ज़्यादा वर्क करते हैं तो। अगर कुछ मेंटली थोड़ा कम वर्क करते हैं तो भी दिन में आप आधा एक घंटा के लिए ज़रूर सो जाएं। सोने का समय भी ऐसा होना चाहिए विशेषकर 2 से 4 के बीच, वह अनिवार्य समय है, तब आपके दिमाग की शक्ति जागेगी। इसके बाद मैं बताऊं कुछ विशेष जो हैं मस्तिष्क को खुराक देने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आप ऐसे भोजन लें जो ज़्यादा भारी ना हो लेकिन ज़्यादा पौष्टिक हो और विशेषकर मस्तिष्क के लिए अच्छे हों, जिसमें से मैंने बताया मुनक्का है, अखरोट है, बादाम है, घी है, देसी घी गाय का, शहद है, और फल हैं, जितने भी ताज़े फल हैं वे सब, उसी तरह से आपके सलाद सब हैं जैसे गाजर वगैरह हैं, तो ये सब जो मस्तिष्क को ताकत देते हैं। और जड़ी बूटियों में आपको अश्वगंध है, सफ़ेद मूसली है, सतावर है, सालम बंजा है, अर्जुन की छाल है, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है,
भृंगराज है और हल्दी है, दारू हल्दी है, चंदन है, केवड़ा है, ये सब मस्तिष्क को बहुत ताकत देने वाली चीज़ है, इनका प्रयोग करें। सोने के भस्म या सोने का पानी, चांदी के भस्म या चांदी का पानी, तांबे के भस्म या तांबे का पानी, लोहा का भस्म और लोहे का पानी, यह जो है मस्तिष्क को बहुत ताकत देते हैं, तो इनका प्रयोग करें, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि हम लोग का मस्तिष्क चैलेंज मिलने पर ज़्यादा बढ़ता है, तो आप में कॉम्पिटेटिव भावना भी होनी चाहिए, तो कॉम्पिटेटिव भावना को उत्पन्न करो। तो जब चुनौती होती है तो इसको एक नया टास्क मिलता है, उससे भी यह बढ़ता है। अब इसके बाद मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। ओम।